हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट पे। दोस्तों बताना चाहेंगे कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए ये आपको सॉल्ट पेपर मिल रहा है जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2019 का है। प्रथम प्रश्न पत्र दोस्तों, जिसमें आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और 50 क्वेश्चन आपको हिंदी के, या फिर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं यानी इंग्लिश लैंग्वेज आप करना चाहते हैं तो 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंग्लिश के लिए। तो ऑप्शनल होता है, या तो आप हिंदी करें या फिर आप इंग्लिश करें, ठीक है ना। अच्छा, अब हम यहाँ पर पहले तो बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चन जो कि आपके सामान्य ज्ञान से आएंगे, और सामान्य ज्ञान का जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा ये इसमें कैसा क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पर जानकारी हो जाएगी। अगर आप बीएड की पूरी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो, हर एक जानकारी आप समय से चाहते हैं, तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। बताना चाहेंगे दोस्तों कि 10 फरवरी से हमारे यहाँ बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, आपको कंटिन्यू स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और सॉल्ट पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे सब कुछ करवाए जाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और रेगुलर आपको इसी प्रकार से वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आपकी यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र हम प्रथम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान यानी जीके होता है और हिंदी लैंग्वेज या फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज यानी सामान्य हिंदी से क्वेश्चन कैसे क्या पूछे जाते हैं। तो पहले पार्ट में हम यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान, ठीक है भाई। 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और आने वाले वीडियो देखने के लिए इसी प्रकार से हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। तो दोस्तों मातृ देवी की जो पूजा है ये किस सभ्यता से संबंधित है, दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सेकंड नंबर है, इसको देखेंगे। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जैनियों के द्वारा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर इनके द्वारा या जैनियों के धर्म की अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी कृति है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयदेव की है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। इसमें पूछा गया है, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता निम्न में से कौन सिख गुरु थे। अकाल तख्त का निर्माणकर्ता निम्न में से कौन सिख गुरु थे। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु हर गोविंद। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है वो वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी। दोस्तों भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी सूरत में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8वां नंबर, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रहीं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंपारण। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, समाचार पत्र केसरी का संपादक किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो केसरी है इस पत्र का संपादन किसने किया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी जी तिलक ने।
अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 नंबर है। 11 नंबर में पूछा गया है दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। दोस्तों दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से की, से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का कौन सा भाग आकार में पृथ्वी के समान है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र। दोस्तों हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, तो दोस्तों शुक्र होगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर, टुंड्रा है। दोस्तों टुंड्रा क्या है, टुंड्रा है शीत मरुस्थल। अगला प्रश्न है यहाँ पे वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोदावरी, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जीके वाले पोर्शन के हैं जो कि रिपीटेड भी होते हैं। 17 नंबर पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोंकण तट। अगला प्रश्न है वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उस प्रोग्राम को कहा जाता है, राइट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ह्यूमन कोड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझे, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं, दोस्तों ह्यूमन कोड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा 18 नंबर प्रश्न में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पे 19 नंबर है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे। दोस्तों 19 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहकारी कृषि। अगला प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जिसमें दिया गया है तूतीकोरिन। अगला प्रश्न है 21 नंबर, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ में, ठीक है। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ में। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सामूहिक उपभोग का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको करना होगा, अगर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामूहिक उपभोग का अर्थ है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा घरेलू खपत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एन एन पी साधन लागत पर, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा 24 नंबर, देखेंगे यहाँ पे भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 2022 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से क्या यहाँ पर वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें दिया गया है चेक, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है भाई, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है यहाँ पर संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों 26 नवंबर 1949, ठीक है भाई, 26 नवंबर 1949 संविधान की ये तिथि है जिसमें पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, यहाँ पे भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत की जनता।
अगला प्रश्न है, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची से। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंध हो सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 33 के तहत। 32 नंबर प्रश्न है, संपत्ति के आधार या संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों की मुख्य उद्देश्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, 34 नंबर है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है? दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतदान जो मत हैं उन मतों का बहुमत। 35 नंबर में है, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों गुट निरपेक्षता से तात्पर्य यह है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति पूंजियों से तटस्थलता। ठीक है, यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, शक्ति पूंजों दिया है, शक्ति पूंजों से तटस्थल स्थल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तटस्थता दिया है। ठीक है, स्थता समझिएगा थोड़ा। चलिए 36 नंबर में यहाँ पर देखेंगे, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 ईस्वी में। ठीक है, 1945। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो 35 नंबर आपका हो चुका है, 37 नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है? तो यहाँ 38 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है भाई, तो ये जो है पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 39 नंबर है यहाँ पे, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। अगला प्रश्न है 40 नंबर, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, सैयद माउंट गोमेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 41 नंबर है, इसको देखेंगे, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो खाली जगह है में स्थित है को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है यहाँ पे 42 नंबर है, कह रहा है शंघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर डी, चीन, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। 43 नंबर है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपकी हो जाएगी यहाँ पर पारसेक। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, 44 नंबर है, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया डीटीपी का विस्तार करें, डीटीपी का विस्तार करेंगे अगर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों 49 नंबर, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है, दोस्तों ये जो होता है रंग वर्णांधता ये किस प्रकार का रोग होता है, दोस्तों ये आता है आपका अनुवांशिक में, ठीक है, अनुवांशिक की जो लक्षण होते हैं उनमें आता है। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, आखिरी प्रश्न है आपका, इसके बाद आप सेकंड पार्ट वीडियो का देखेंगे तो उसमें आपको, देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस वजह से मैंने सेकंड पार्ट इसका बना दिया, प्रश्न पत्र फर्स्ट का, जिसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं वीडियो को, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। 50 नंबर में आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था, तो दोस्तों ये जो चीनी यात्री है फाहियान, ये किस शासक के समय पर भारत आया था, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, वीडियो आपका निशुभ, जय हिंद, जय भारत।